तेजस्वी यादव हमेशा एक कदम आगे रहे हैं, और मैं फिर बता रहा हूं कि पहले भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से आम आवाम से रूबरू हो रहे थे। वन टू वन जब मौका मिलता है, जब समय मिलता है, तो निश्चित रूप से ऐसी पहल करने की कोशिश, पहले भी वो मिलते थे, जब समय रहता था मिलते थे। चुनाव के पहले काफ़ी सारे कार्य आ गए थे, उसकी वजह से व्यस्तता थी, और फिर भी उस समय भी वो मिलते थे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव पटना में है और उन्होंने बिहार की जनता के लिए 10 सर्कुलर का दरवाज़ा खोल दिया है। खोल इसलिए दिया है कि कल भी उन्होंने देर रात तक जनता दरबार लगाया, और आज दोपहर के बाद से ही लगातार जनता दरबार उनका जारी है। जो भी लोग उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन लेकर आएँ और सीधा उनसे मिल सकते हैं। एक बड़ी पहल तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता हैं। जनता दरबार लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, एक बड़ा एक मूव हुआ है आरजेडी की रणनीति में, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट लोगों से, पीड़ितों से तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी पहले भी लोगों से जुड़े ही रहे हैं। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया माध्यम है, और जब अरे मास से मिलना होता है तो वो माध्यम भी कारगर माध्यम है, वो हमेशा इंटरेक्ट करते रहे हैं। फिर भी कोई शिकायत यदि बची है तो उसको समाप्त करने की कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर यह बहुत अप्रिशिएबल सब्जेक्ट है। मैं कल भी मौजूद था रावड़ी हाउस में, आज भी मौजूद हूँ। ज़्यादातर जो फरियादी, जो पीड़ित आए हैं क्राइम की घटनाओं से, जो पीड़ित हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, और लगातार यही उनसे मिलकर ये कह रहे हैं कि हमारे मामले में पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस जो है बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं लाचार हो गई। और यही शिकायतों को लेकर तेजस्वी यादव के द्वार लोग पहुंच रहे हैं। पटना में 15 दिन पहले दो भाइयों चावल व्यवसायियों का एक तरह से कह सकते हैं अपहरण कर लिया गया, वो अगवा हैं, लापता है, उनसे उनको लेकर भी उनके जो परिजन हैं आज तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर भी लोगों में एक नाराज़गी है जो तेजस्वी यादव के समक्ष बताने आए हैं। क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ गया है, पहले ही बढ़ा हुआ था, अब और आसमान छूने लगा है, और सरकार से लोगों की उम्मीद घटती जा रही है। सरकार आम जनता की अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रही है, और इस बार तो अपेक्षा बहुत थी भी नहीं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया था राष्ट्रीय जनता दल की और महागठबंधन की सरकार बनाने का। लेकिन जिस किसी भी तरह से सरकार बनाई गई, सरकार यदि बन गई तो उसकी जिम्मेवारी है कि आम आवाम सुरक्षित रहे और आम आवाम की समस्याओं को एड्रेस करना मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार की जिम्मेवारी है। यदि ऐसा नहीं करती है तो इन जिम्मेवारियों से वो भाग रही हैं। यह बिल्कुल प्रजातंत्र में एक अपराध तुल्य घटना हो रही है बिहार में, यह गलत है। अगला सवाल यह है कि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब जो है वो जनता दरबार फिर से शुरू करेंगे, उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन तेजस्वी यादव एक कदम आगे निकलकर जनता दरबार की शुरुआत करते हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव हमेशा एक कदम आगे रहे हैं, और मैं फिर बता रहा हूं कि पहले भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से आम आवाम से रूबरू हो रहे थे। वन टू वन जब मौका मिलता है, जब समय मिलता है, तो निश्चित रूप से ऐसी पहल करने की कोशिश, पहले भी वो मिलते थे, जब समय रहता था मिलते थे। चुनाव के पहले काफ़ी सारे कार्य आ गए थे, उसकी वजह से व्यस्तता थी, और फिर भी उस समय भी वो मिलते थे। चलिए, ये थे आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता, जो कि फिलहाल राबड़ी हाउस के अंदर जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, कल भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जो पीड़ित हैं या पीड़िता हैं सबसे मुलाकात की। कहें कि 10 सर्कुलर का दरवाज़ा जो है वो आम लोगों के लिए खुल गया है, कोई भी आ सकता है, आवेदन यहां पर दे सकता है। अगर तेजस्वी यादव उपलब्ध हों तो सीधा तेजस्वी यादव से मिलकर अपनी शिकायतों को तेजस्वी यादव के समकक्ष रख सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।